आप सबका स्वागत है एस्ट्रो जर्नी अ डिवाइन वॉइस पर। आज की इस चर्चा में हम चर्चा करेंगे कि शुक्र जो है और लिब्रा के लिए उसके गुण दोष क्या हैं। लिब्रा असेंडेंट के लिए जो नाइन्थ हाउस है ब्लैंक चार्ट में, उसकी एनर्जी कैसे काम करती है। ठीक है, इससे पहले जो हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं वो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में या व्हाट्सएप चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। देखिए, अभी आप नाइन्थ हाउस में देखें, कार्पुरुष कुंडली में सेजिटेरियस आता है। ठीक है, नाइन्थ हाउस से पिता को हम नाइन्थ हाउस से देखते हैं, राइट। और यहां पर जेमिनाई साइन आ गया, ठीक। लेकिन अगर हम देखें जेमिनाई साइन में ड्वालिटी, डुअल साइन है, डुअल नेचर का साइन है, और काल पुरुष कुंडली में पराक्रम के भाव को शो करता है, सेल्फ एफर्ट्स, कम्युनिकेशन, ठीक है। और नाइन्थ हाउस हमारे सामाजिक जो लॉ एंड ऑर्डर है, या सामाजिक जिसे हम रूल्स एंड रेगुलेशंस कह दें, उसको शो करता है। नाइन्थ हाउस इंस्टीट्यूशंस को शो करता है, पॉलिसी मेकिंग, ठीक है। अब आप यहां पे देखिए कि थर्ड हाउस जो है जेमिनाय जो है वो नाइन्थ में आ गया, सेजिटेरियस जो है वो शिफ्ट कर गया है कहां पर, थर्ड में। पार्टिसिपेट करते रहिए, ठीक है, थर्ड में शिफ्ट कर गया है। तो ये क्या शो करता है कि जो लिब्रा वाले हैं ये अपनी डेस्टिनी खुद बनाने में विश्वास करते हैं, सेल्फ मेड मैन, सेल्फ मेड होते हैं, अपने पराक्रम से ही उनका भाग्य उदय होता है। कम्युनिकेशन, ठीक है, व्हेन दे कम्युनिकेट दे विल टॉक अबाउट राइट एंड रॉन्ग थिंग्स। जो धर्म है, धर्म का घर है ना, ठीक है, क्या सही है क्या गलत है, उनके ज्यादातर कम्युनिकेशन में आपको ये देखने को मिलेगा, राइट। ये गुण जो आपको ब्लैंक चार्ट एनर्जी है, ये इसको आप एक जर्नलाइज गुण दोष ले सकते हैं, ठीक है। फिर आप देखेंगे टेंथ हाउस जो है मून से रिलेटेड है, कर्क राशि है, ठीक है। ये बहुत ही डेडिकेटेड होते हैं अपने गोल्स को लेकर, फिजिकली एंड मेंटली। थर्ड हाउस में सेजिटेरियस चला गया, ठीक है, और यहां पे सब कुछ उल्टा है। जेमिनाई नाइन्थ में आ गया, सेजिटेरियस उसमें चला गया। थर्ड हाउस आपके फ्रेंड सर्कल को भी इंडिकेट करता है, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होते हैं टुवर्ड्स देयर फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा मदद करना, हेल्प करना, ठीक है। और इनके जो फ्रेंड्स हैं, इनका जो फ्रेंड सर्कल है, इनका जो सर्कल है वो इनके भाग्य उदय में इनकी मदद करता है, ये उनके भाग्य उदय में मदद करते हैं, सॉरी यहां एक करेक्शन है, ये उनके भाग्य उदय में उनकी मदद करते हैं, उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। अब मैंने ये चीज क्यों कही कि ये उनको आगे बढ़ने में मदद करते हैं। यहां पर आप देखिए कि जो सेकंड साइन है कन्या राशि, वो ट्वेल्थ में चला गया। नाइन्थ हाउस जो है यहां पे जेमिनाई है, वो भी बुध का साइन है, ठीक है। मंगल कारक होता है थर्ड हाउस का, ठीक है, बृहस्पति कारक होता है नाइन्थ हाउस का, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देखोगे कि जो ये वर्गो साइन है वो ट्वेल्थ में चला गया है, मतलब ये तो हेल्प करते हैं, लेकिन जब वक्त पे जरूरत होती है तो इनको अपने सबॉर्डिनेट्स या इनके जो फ्रेंड सर्कल हैं या इनके जो छोटे भाई बहन हैं उनसे वो मदद नहीं मिल पाती, ठीक है। फिर
इनके जो हैं सीक्रेट एनिमीज होते हैं। कन्या राशि सेकंड जो चली गई है 12th हाउस के अंदर, कभी आप अगर बुध प्लेस्ड ना हो प्रॉपरली तो आप ये देखेंगे कि इनके फादर ही इनके अगेंस्ट भी हो जाते हैं। अब ये चीज मैंने क्यों बोल दी, ठीक है। 9th हाउस में आ रहा है जेमिनी, वर्गो आ रहा है 12th में, व्यय हो रहा है वहां उसका, मतलब जिसका बुध का जो मूल त्रिकोण साइन है, तो यहां योग कारक नहीं बोलेंगे आप मून को, और सॉरी बुध को, ठीक मैं है, क्योंकि वो 12th में चला गया है, मूल त्रिकोण साइन है जो बुध का। और आप ये चीज और देखें कि जो सूर्य है पिता का जो कारक है, ठीक है, वो लग्न में जाके नीच का हो जा रहा है, ठीक है जी। तो अगर बुध या सूर्य यहां पर अफ्लिक्शन में आ जाते हैं, अब ये एक जनरलाइज एनर्जी की हमने बात की, लेकिन अगर हॉरोस्कोप, हाँ जी, लेकिन अगर हॉरोस्कोप में बुध या सूर्य अफ्लिक्शन में चले गए, ठीक है, थोड़ा सा भी डिस्टरबेंस हो गई, तो आप ये चीज देखेंगे कि इनका अपने पिता से, इनको अपने पिता से सपोर्ट ना मिलना, या लेटर ऑन पिता के साथ जो इनके संबंध हैं वो स्ट्रेस पूर्ण भी हो जाते हैं, ठीक है। फिर आप एक चीज देखिए कि बुध का जो सेकंड मूल त्रिकोण साइन है वो 12th में चला गया, फॉरेन लैंड्स, चेंज ऑफ एनवायरमेंट। तो आप ये देखिए कि अगर यहां पे बुध वेल प्लेस्ड है, अभी लगन में, लगन का जो स्वामी है वो शुक्र है, ठीक है, लगन का जो स्वामी शुक्र है वो बुध से आसपास ही रहता है, मोस्टली साथ में या एक घर आगे या एक घर पीछे, ठीक है। अगर लगन का स्वामी बुध के साथ है, लगन का स्वामी स्ट्रांग है, हम 9th हाउस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो इनको एब्रॉड से, एब्रॉड क्लाइंट से, एब्रॉड से इनकम, वहां से फायदा होना, एब्रॉड जाके इनकी, इनका भाग्य उदय होना, इन्वेस्टमेंट से इनका भाग्य उदय होना। अगर बुध अच्छा प्लेस्ड हो या शुक्र बुध के साथ है, अच्छा प्लेस्ड है, तो ये चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे कि शुक्र यहां पे 8th का लॉर्ड भी है, ठीक है, जब शुक्र यहां पर 8th का लॉर्ड है, तो जब 9th हाउस में अगर शुक्र है, 8th का लॉर्ड है, सीक्रेटिव एक्टिविटीज, हमारे जो प्राइवेट जो है पार्ट्स, इनको भी कवर करता है, सीक्रेट एक्टिविटीज को कवर करता है। तो आप ये देखिए कि इनकी वाइफ को, जो इनकी वाइफ होती हैं, उनको कोई ना कोई इलनेस रहेगी। अगर शुक्र का बुध के साथ संबंध है या शुक्र 9th के हाउस में है, मतलब साथ में बैठा, ठीक है, गुड इवनिंग. गुड इवनिंग मैम। लेकिन इनका भाग्य उदय जो है, भाग्य फॉरेन प्लेसेस पे हो रहा है, ठीक है, लेकिन इनको, इनका जो लगाव है अपनी फॉरेन लैंड्स के साथ रहता है, ठीक है, इनको रहता है कि मैं अगर फॉरेन में भी रह रहा हूं तो घर से कनेक्शन बना रहे, ठीक है। 9th का जो मूल त्रिकोण है वो जा रहा है 12th हाउस में, तो इनका स्टेटस अच्छा होता है अपने घर से दूर जाकर, भाग्य उदय होता है अपने घर से दूर जाकर। अगर बुध अच्छा प्लेस है तो ये फ्रीक्वेंट फॉरेन ट्रिप्स कर सकते हैं, मतलब फॉरेन ट्रिप्स करना जिसे बोलते हैं ना कि लाइफ में एक कॉमन चीज है, फॉरेन की कंपनीज के साथ, एमएनसीज के साथ इनकी डीलिंग्स हैं, या फॉरेन में सेटल हैं, आमतौर पर अपने होम प्लेस पे आना जाना लगा रहता है, ठीक है।
फॉरेन लैंड से आउटसाइड से इनको हेल्प होती है, मतलब भाग्य उदय करने में। ठीक है जी, आवाज उदा आ रही है, कुछ ठीक जी जा जी रहा है, जी मतलब कोई रिस्पॉन्स ही नहीं, एकदम साइलेंट हो रहा है नहीं सब सर, कुछ। जी नहीं, सर बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, मंत्र मुग्धों के सुन रहे हैं सर बस। इतना मंत्र मुग्ध नहीं है सिस्टम, ठीक है। अच्छा एक चीज और देखिए, अब यहां पर करण जी लाल किताब में आप देखिए, वीनस अगर 9th हाउस के अंदर है, वहां पर भी यही चीज बोलेगी कि वाइफ को गायनिक इश्यूज रहेंगे। ठीक है, यहां पर आप देखिए, अगर हम मूल त्रिकोण साइन को अगर लेके चल रहे हैं, तो 8th का लॉर्ड भी वीनस बन रहा है, वो 9th में अगर बुध के साथ जा रहा है। ठीक है, बुध यहां पे 12th का लॉर्ड है, बेडरूम एक्टिविटीज। और लाल किताब एक चीज और बोलती है, मैं ये चीजें यहां इसलिए ऐड ऑन कर देता हूं कि यहां एक तरह से ना, मतलब कुछ चीजें ऐड ऑन हो जाएं, हमारा एक हॉरिजोन, हम वाइडर हॉरिजोन पे थिंक करें। और कभी कभी मैं ये पढ़ा रहा होता हूं, मतलब ये चीज हम डिस्कस कर रहे होते हैं, तो मुझे भी ना मतलब क्लिक होता है कि हाँ ये चीज यहाँ पे ऐसे वर्क कर रही है और वहां पे ये चीज बोली गई है। जी सर, सर मतलब ये है कि अगर या तो वीनस मरकरी साथ हो तो भी ये लाइकलीहुड है कि वाइफ की तबीयत खराब हो सकती है, या स्पेशली इन 9th हाउस, अगर 9th हाउस में वीनस है तो वो ठीक भी है, वही। और 9th हाउस में वहां पे एक लाइन दी गई है कि धुली धुलाई दुल्हन, वीनस इन 9th हाउस। ठीक है, कि वो मतलब उसका जो जीवन साथी है, क्यों वो जो है ऑलरेडी जो मतलब बेडरूम प्लेजर्स को अटेन कर चुका है बिफोर द मैरिज। अब यहां पे देखो ये चीज कही गई है, मूल त्रिकोण हम बोल रहे हैं कि जो मूल त्रिकोण साइन है, जो प्लेनेट है, उसकी एनर्जी सेम है। यहां पे अगर आप देखें, वीनस 8th का लॉर्ड है, ठीक है, बुध की जो मूल त्रिकोण साइन है वो जा रहा है कहां पे जा रहा है, 12th में भी जा रहा है, ड्वालिटी है। और 3rd हाउस जो है जेमिनाय है, जो अब 9th में आ गया है, वो काम त्रिकोण का फर्स्ट साइन भी है। कैसे जो चीजें हैं वो ब्लेंड हो रही है वहां पे, तो वहां पे एक लाइन में चीज बोल दी, लेकिन अगर आप उसको गूढ़ मतलब व्याख्या करने की कोशिश कर रहे हैं या उसको फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हैं कि चीजें कैसे हो रही हैं, तो यहां पर ये पहेली कहीं ना कहीं मतलब सॉल्व होती हुई नजर आती है। 12th लॉर्ड, राइट, 8th लॉर्ड, दोनों का कॉम्बिनेशन है, मूल त्रिकोण का पहला साइन है। ठीक है अशोक जी, समझ आया? म्यूट हैं आप, म्यूट। यस हाँ सर, जी, समझ, मैं कोशिश कर रहा हूँ सर, आपको आपने समझ अटेम्प्ट आई? किया है तो। हाँ जी, नहीं, आ रहा है लेकिन विजुलाइज करना पड़ रहा है अभी। देखो आप यहां पे एक चीज देखो कि वहां मैंने एक चीज आपको रेफरेंस दिया कि उस बुक में ये चीज लिखी गई है, लेकिन जब हम वीनस को लेके और लिब्रा को लेके, लिब्रा की जो ब्लैंक चार्ट हॉरोस्कोप की एनर्जी है उसको लेके हम डिस्कस कर रहे हैं, तो भाव को हमने साथ में ब्लेंड किया है, तो हमें ये चीज ज्यादा क्लैरिटी से समझ आ रही है कि ऐसा क्यों बोला गया है। नहीं, साथ हाँ में हम यहां पे एक चीज इनडायरेक्टली ये भी मतलब हमारे नॉलेज में आ रही है कि हमें भाव को, ग्रह के गुणों को किस तरीके से इन चीजों को ब्लेंड करना है। हाँ जी रितु जी, सर, इसमें ब्लैंक चार्ट एनालिसिस में शुक्र और बुध की पोजीशन नहीं देखेंगे? ओके ये बोला गया है शुक्र 9th हाउस में। सर, लेकिन हाँ ये जी, तो स्पेसिफिकली फॉर लिब्रा लगनी हुई ना, और लाल किताब में तो जनरल है कोई भी। वो जनरली बोला गया है, लाल किताब का जो मेन वो है वो उसके ऊपर चलती है, काल पुरुष कुंडली के ऊपर, पर जब अगर ठीक सर है, ऑप्शन लेकिन जब हम लाइन शुक्र के गुणों को देख रहे हैं,
हम मूल त्रिकोण साइन को, उसका जो मूल त्रिकोण साइन है ना, मूल त्रिकोण क्यों बोला गया? कि वो गुण दोष उस ग्रह में भी आपको वैसे ही नेचर मिलेगी। यानी कि वो अपने से थर्ड चला जाएगा ना, अपने मूल त्रिकोण से, अगर 9th हाउस में होगा जनरली, हाँ हाँ जी, अगर किसी भी जनरली मतलब किसी भी असेंडेंट में अगर वो 9th हाउस में है तो अपनी मूल त्रिकोण से 3rd हाउस में चला गया होगा, ठीक इसलिए हम है। लेकिन जब नहीं, हम इसलिए बोल रहे हैं कि जब हम तुला को असेंडेंट में लेके जा रहे हैं, तब तो समझ में आ रहा है ठीक है, सर। वो जो उसकी एनर्जी कैसे काम कर रही है, उसके आसपास की एनर्जी, तो वो चीज मतलब एक उसको कनेक्ट करने की मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं समझ गई आपकी बात, मैं वैसे कह रही हूँ कि ये तो तुला में तो क्लियर है। अच्छा, फिर ये भी डुअल साइन है, डुअलिटी है, ठीक है। अच्छा, हमने एक चीज ये पहले भी डिस्कस की थी कि सूर्य शुक्र और बुध के बीच में हो, डुअल साइन के अंदर हो, बृहस्पति उसको देख ले, द्विस्वभाव राशि में अगर हो, या अगर राशि मतलब द्विस्वभाव नहीं है, 23 डिग्री से ऊपर का सूर्य है, शुक्र बुध के बीच में है, बृहस्पति देख रहा है, तो फादर की दो शादियां दो हो शादी जाना, होती लाइफ में ड्वालिटी होना, जीव की लाइफ में ड्वालिटी होना। ठीक है ना, जी सर, ड्वालिटी आ रही है सब जगह। सर ये दोबारा समझा दीजिए एक बार। कैसे? शुक्र और बुध के बीच में सूर्य, ये हमने पहले जो हमारे क्लासेस हो गई उसमें ये चीज हमने डिस्कस की थी कि शुक्र और बुध के बीच में अगर सूर्य है, ठीक है, और वो डुअल साइन के अंदर है, उसको बृहस्पति अगर देख रहा है, ठीक है, सूर्य क्या है, पिता का कारक है ना, तो पिता की लाइफ में दो से ज्यादा औरतें, दो शादियां पिता की, ऐसी चीजों की पॉसिबिलिटी बढ़ जाएगी। यही चीज अगर सूर्य 23 डिग्री से ज्यादा का है तब भी है, मतलब डुअल साइन नहीं है, लेकिन द्वि स्वभाव राशि की तरफ अगर बढ़ रहा है, ठीक है, तब भी ये पॉसिबिलिटी है। वीनस स्त्री हो गया ना। अच्छा, बुध जो है वो अपने आप में ड्वालिटी का, ड्वालिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, द्वि स्वभाव को, ठीक है जी। फिर अगर आप देखें 10th हाउस में कैंसर साइन आता है, जिसका स्वामी चंद्रमा है। अब आप देखें कालपुरुष कुंडली में, वहां पे शनि की राशि आती है, कैप्रिकॉन। मेन जो कर्म जो है हमारे, हमारे जो हम लाइफ में परफॉर्म कर रहे हैं, प्रोफेशन, हमारी स्ट्रगल, हमारा स्टेटस, ठीक है, वहां पर आ गया मन, आ गया हमारा चंद्रमा, मन का कारक है ना। ये लोग बहुत हाई डेडिकेशन से काम करते हैं, जो कार्य करते हैं बहुत ज्यादा डेडिकेट होकर करते हैं, इमोशनली बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है, उसमें बहुत ही इमोशनल होके अपने होमली फील करेंगे, बहुत सारे फ्रेंड्स भी इनके हो सकते हैं वहां पर अपने वर्क प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि मन वहां पे इन्वॉल्व है। लेकिन ना एक चीज है, जब आपका चंद्रमा और शनि का कॉम्बिनेशन बन रहा है, या जो कर्क राशि 10th में आ गई, यहां पर एक चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए, अगर कोई भी ऐसा इंसान है ना, वो फ्रेंकली मतलब अपने वर्क प्लेस के ऊपर चीजों को बताते रहते हैं, कि अपने बारे में बता देते हैं कि हमारा ऐसा ये है वो है, अपने बारे में सब कुछ बताते रहेंगे दूसरों की, मतलब बहुत भरोसा भी करते हैं अपनी वर्क प्लेस के ऊपर लोगों पे, जिनका उनको कभी बार खमियाजा भी उठाना पड़ता है, जिसकी वजह से उन्हें कई बार हानि भी होती है, ठीक है। फिर मूवमेंट, ट्रैवलिंग इन्वॉल्व होना, ठीक है, इनका जो बिजनेस होता है उसमें जो कस्टमर्स होते हैं इनसे बहुत खुश रहते हैं, और आम तौर पर इन पे आंख मूंद के विश्वास करते हैं, अगर चंद्रमा की पोजीशन जो है वो अच्छी है, चंद्रमा वेल प्लेस्ड है। लेकिन वहीं पर अगर चंद्रमा की पोजीशन अच्छी नहीं है तो ये चीज उनके लिए कष्टकारी भी हो जाती है।
कस्टमर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ ओवर इन्वॉल्वमेंट हो जाना, बहुत इमोशनल इन्वॉल्वमेंट कर देना, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम हो जाए। ठीक है, बृहस्पति जो है वो यहां पर आकर उच्च का हो जाता है। थर्ड का लॉर्ड है, सिक्स्थ का लॉर्ड है, ठीक है जी। थर्ड लॉर्ड कम्युनिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट्स, सिक्स रोग ऋण रिपु, वो यहां पर आकर उच्च का हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप यहां पे देखिए, मेनली अगर आप देखें, शुक्र जो है किस फाइनेंसेस को सिग्निफाई करता है, व्यापार को, फाइनेंसेस को। और शुक्र का क्या व्यापार करना प्रेफर करेगा, सर कॉस्मेटिक्स या कोई ब्यूटी प्रोडक्ट्स या या मेनली आप बोलें बैंकिंग, लेंडिंग मनी, ऋण देना। चंद्रमा क्या है, ट्रांजैक्शंस है, डीलिंग विद फाइनेंशियल थिंग्स। फिफ्थ हाउस देखो आप, फिफ्थ हाउस में चला गया क्वेरीज। फिफ्थ हाउस क्या क्रिएटिविटी है जी, क्रिएटिविटी, कला का कारक भी है ना शुक्र। फिर हाँ फिफ्थ हाउस फिफ्थ हाउस क्या है, ये आपका स्पेकुलेशन भी है ना। हाँ जी स्पेक्युलेशन अच्छा, जो टेंथ का लॉर्ड है वो उच्च का हो रहा है एट्थ में जाके। एट्थ हाउस क्या है, गवर्नमेंट मनी। दे हैव वेरी गुड नॉलेज ऑफ ऑल दिस थिंग्स, शेयर मार्केट कहाँ जा रहा है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज क्या हैं, सीए हैं, लोगों का पैसा इन्वेस्ट करना, मतलब कि अपने दिमाग से काम वो अर्निंग कर रहे हैं। ट्रांजैक्शंस, लोन दिलवा देना, लोन फैसिलिटेटर, ऐसी चीजें फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए यहां पर कि हमने रोग को प्रेफरेंस, मतलब ये क्यों नहीं बोला कि डॉक्टर रोग, बन सकते हैं ठीक है, रोग वाला भी है ना, क्योंकि मृत संजीवनी भी है, मृत संजीवनी यस ठीक है। अच्छा, चंद्रमा को भी लाल किताब में तो औषधि का कारक चंद्रमा को बोला गया, बोला शुक्र चंद्र एक साथ हैं तो जातक जो है मतलब दवाइयों से पैसा कमाता है, भले डॉक्टर ना हो, ठीक है। प्लीज यहाँ पे तो आप यहां पे देखिए, सिक्स काम क्या कर रहा है, बृहस्पति जो है, जो प्लेनेट जहां जाके उच्च का हो रहा है, वो एनर्जी भी एक फ्री, एक मेन रोल प्ले करती है ना हॉरोस्कोप के अंदर, ठीक जी है। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन का वहां पे है। नाइन्थ हाउस क्या है, धर्म, मतलब क्या सही है क्या गलत है, लॉयर, लॉयर के लिए डॉक्टर, भी बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन हो गया दोनों चीजें हैं फिर दुश्मन भी से, दुश्मन से आजकल कौन निजात दिलाता है। वो पहले वाली तो बात रही नहीं कि है ना, अभी हथियारों से लड़ाई हो रही है, वो भी होती है बड़े लेवल पे, लेकिन जो आम हुआ आजकल लॉ, कागजों की लड़ाई हो रही है, ठीक है ना जी। ये वर्क प्लेस पे बहुत ही जेनरस और हेल्पफुल टाइप के होते हैं, उदार, अपने सबॉर्डिनेट्स को, अपने साथ वाले लोगों को बहुत ज्यादा हेल्प करना, उनके उनके प्रति बहुत उदार रवैया अपनाना, ठीक है ना, उनको है, उनको गाइडेंस देनी, ठीक है। वर्क प्लेस पे काफी पॉपुलर होते हैं, हेल्पफुल होते हैं, मतलब सपोर्टिंग होते हैं, लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, गाइड। बृहस्पति उच्च का हो रहा है, बृहस्पति क्या है, गाइड। जब हमारे जीवन में कोई दिक्कत होती है तो हमें हमें उस समय हमें गाइड की हमेशा तलाश रहती है। हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो सोचते हैं कि बस वो ऐसी सलाह दे, बीमारी पकड़ ले और हमारा पीछा छूटे। हमारी मेंटेलिटी तो यही होती है ना, बीइंग अ पेशेंट, जब हम पेशेंट होते हैं। जब हम लॉयर के पास जाते हैं तो हम सोचते हैं कि लॉयर हमें इस चीज, इस झमेले से निकाल दे, या हम किसी टीचर के पास जाते हैं या किसी स्पिरिचुअल गाइड के पास जाते हैं तो हमें वो इनलाइट करता है उस
प्रेजेंट सिनेरियो में जो प्रॉब्लम है उससे हमें निकालता है, हम उससे ये उम्मीद रखते हैं कि वो इस सिचुएशन से हमें निकाल दे। ठीक है, फिर थर्ड हाउस और सिक्स हाउस का लॉर्ड जो है वहां उच्च का हो रहा है। ये लोग बहुत ज्यादा सख्त मेहनत करते हैं अपने प्रोफेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए, बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, रिसर्च करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं। सुख 10th हाउस जा रहा है 4th में, काम कर रहे हैं, वर्कहोलिक हैं। प्रॉब्लम क्या हो रही है, पाइसिस का आ गया 6th में। ठीक है, हाँ प्रॉब्लम क्या हो रही है, ड्यू टू देयर मतलब प्रोफेशनल इन्वॉल्वमेंट उनकी जो हेल्थ है उसके ऊपर प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाती है। हेल्थ में इशू आ गया, हेल्थ में दिक्कत आ गई, रोग हो गए। किस वजह से, क्योंकि बहुत ज्यादा लोगों के अभी टेंशन ले रहे हैं, ये मेरा कलीग है इसका काम नहीं हो रहा, चल तेरे साथ भी तेरे साथ भी काम करवा दूं, तेरे साथ भी हेल्प कर दूं, तेरी प्रॉब्लम में उसकी हेल्प कर देना, राइट। अच्छा, बृहस्पति जो है वो उच्च के हो रहे हैं जाकर 10th में, जी चंद्रमा के घर में। ठीक है, सिक्स का सर, लॉर्ड चंद्रमा के घर में गया है, नोट कीजिए। रोग है ना, चंद्रमा हमारी एक आंख को भी रिप्रेजेंट करता है ना, जी शुक्र का आना भी है ना। हाँ जी, एक आंख खराब है उनकी। ठीक है, एक आंख खराब है, चंद्रमा हमारी एक आंख को भी करता है। और कर्क राशि में कौन वो गया, कर्क राशि में बृहस्पति गया जो कि 6th का लॉर्ड भी है। इनको आंखों में, आंखों के ऊपर इशू आ जाना। सर सिक्स का लॉर्ड कैसे है? अच्छा, क्यों जी, पाइसिस नहीं आया जी 6th में? ओके। मैं कन्या कालपुरुष के हिसाब से। हम इसको ले रहे हैं ना, तुला को, असेंडेंट को डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा तो मेरे अच्छा, ब्रदर का है, हाँ जी, मेरे ब्रदर का वो लिब्रा असेंडेंट है। हाँ, तो उसका क्या है? उसका जो है, एक तो जो आपने दोनों दो कंडीशन लग रही है, एक तो मून जो है 8th हाउस में जाकर उच्च का हो रहा है, अच्छा और दूसरा बृहस्पति जो है 10th हाउस में उसके, लेकिन अच्छा वक्री है। रिजल्ट वक्री है, तो रिजल्ट क्या आ रहे हैं? ये आ रहे हैं, बहुत मेहनती है, वैसे तो ऑटोमोबाइल इंजीनियर है, डायरेक्टर ऑपरेशन है, लेकिन उसके जो आपने जो बताया ना, म्यूचुअल फंड शेयर में कैलकुलेशंस में बहुत स्ट्रांग है वो। तो स्पेकुलेशन है ना, देखो 10th हाउस कहाँ चला गया, 8th में फिफ्थ सॉरी 11th कहाँ चला गया, हाउस में फिफ्थ गेन हाउस फ्रॉम में, स्पेकुलेशन, गेन्स फ्रॉम स्पेकुलेशन, शेयर मार्केट, उनको पसंद भी है वो गेन वो चीज करना। उसको पसंद भी है, उसको पैसा कमाना पसंद है शुक्र को, क्योंकि शुक्र करेंसी है, हर बैंक प्रॉफिट में रहना चाहता है। एनपीए बैंक को सबसे ज्यादा खराब मालूम है क्या लगता है, एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, लोन लेके जो भाग रहा है वो बैंक वालों को सबसे ज्यादा खटकता है। ठीक है, अब चंद्रमा देखो 8th हाउस है, अभी 8th हाउस जो है 5th से 4th है चंद्रमा, वहां जाके उच्च का हो रहा है। ठीक है, हो क्या रहा है, उनको वो चीजें पसंद भी हैं और वहां उनकी नॉलेज भी है और वहां से गेन्स भी ले रहे हैं, अनअर्न्ड इनकम। ठीक है ना, मंगल जो है, अच्छा इनके जो डिस्प्यूट्स होते हैं ना, डिस्प्यूट्स 6th हाउस रोग और डिस्प्यूट्स, ये सब चीजें हैं ना, इनके जो डिस्प्यूट्स है ना वो नेगोशिएशन से हल होते हैं। ठीक है, नेगोशिएशन से मोल भाव किया। अब आप देखिए, ये जितने भी फाइनेंशियल डिस्प्यूट्स होते हैं, मैं ये नहीं कहता उसमें लाठियां नहीं चलती, लेकिन मैक्सिमम की कोशिश होती है कि इसको नेगोशिएट करके खत्म कर दें। ठीक है, चंद्र है 10th हाउस में, बृहस्पति है, ये मतलब
दिमाग से काम करने वाले हैं, ठीक है, नेगोशिएट करके किसी तो ये कैसे को। आपने बोला सिक्स हाउस जो एग्जॉल्ट हो रहा है 10th में, मतलब थर्ड का भी एग्जॉल्ट हो रहा है 10th में, अच्छा इसलिए हम नेगोशिएट वो थर्ड नेगोशिएट्स। हाउस अगर में। लॉयर हैं ये, तो ये दूसरों के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं। लॉयर हैं तो पता लगा ज्यादातर वो मैट्रिमोनी वाले केसेस होते हैं इनके पास, ठीक है, ये चीज होगी। अब मंगल जो है, मंगल वहां पे डेबिलिटेट हो रहा है, नीच का हो रहा है, कर्क राशि में नीच का हो रहा है, सेवंथ का लॉर्ड है, ठीक है, और उसके साथ सेकंड का लॉर्ड है वहां पर, ठीक है। प्रोफेशनल मतलब जो देखे, प्रोफेशन का जो लॉर्ड है चंद्रमा, वो सेकंड में जाके वो हो रहा है, ठीक है। तो पता चला कि इनकी प्रोफेशनल लाइफ बहुत अच्छी है, बट आफ्टर मैरिज मतलब डिस्टरबेंस होगी, या वाइफ के डिस्टरबेंस की वजह से प्रोफेशनल लाइफ में दिक्कत आ गई, या अगर ये खराब हो रहा है, दे आर नॉट एबल टू डील वेल देयर विद देयर क्लाइंट्स, ठीक है। इनकी स्पाउस जो मैरिड लाइफ की टेंशन है, उसने इट टेक्स अ टोल ऑन देयर प्रोफेशनल लाइफ, या ये अपने क्लाइंट को या अपने प्रोफेशनल लाइफ पे कोई विवाद खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि बहुत ज्यादा आउटस्पोकन है, ठीक है। इनकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि किसी ने चुगलीबाजी कर दी इनमें। 8th हाउस है ना, स्कॉर्पियो चला गया ना सेकंड में, वो अंडरकवर वाला काम, अंदर ही अंदर जड़ काट दी किसी ने, ठीक है ना। कई लोग होते हैं ना प्रोफेशनल लाइफ में, जो आपकी पीठ के पीछे वार करते हैं, आपके अगेंस्ट कॉन्स्पिरेसी करते हैं, है ना, जिसकी वजह से क्या हुआ, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम हो गई। फिर सर वो एग्जॉल्ट हो रहा है तो फिर वो अच्छा नहीं होएगा, खराब हो जाए। नहीं मैम, जो मंगल है वो तो 10th हाउस में नीच का हो रहा है ना, जी, ठीक है, अच्छा तो उसका स्कॉर्पियो साइन के लिए कह रहे हो आप। हाँ आउटस्पोकन है, जिसकी वजह से क्लाइंट के साथ डील फाइनल ही नहीं हो पा रही, जरूरत से ज्यादा ही बोल दिया या कड़वा बोल दिया, कई बार जरूरत से ज्यादा ईमानदारी भी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जरूरत से ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्डनेस भी दिक्कत देती है, ठीक है। फिर दूसरी बात यह है कि सेकंड हाउस में भी मंगल जो उच्च का हो रहा है, सॉरी उसका हाउस है सेकंड हाउस, सेकंड हाउस उनकी जो सेव्ड मनी है, अर्निंग्स के बाद जो हमारी सेविंग्स हुई है, उसको भी इंडिकेट करता है। तो इन सब चीजों की वजह से, प्रोफेशनल टर्मोइल्स की वजह से, इनकी जो हार्ड अर्न्ड मनी है, जॉब छूट गई, पता लगा सेविंग से ही खा रहा है, या उसमें भी डेंट आ गया, मतलब उसमें भी लार्ज चंक उनका वेस्ट हो गया कहीं, इन सब चीजों की वजह से, ठीक है। वही 7th हाउस में मंगल की राशि आ रही है, तो वहां ये इन लोगों का एक मेन एम ये होता है कि हमें खुद का बिजनेस, खुद का एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एस्टेब्लिश करना, ये इनिशिएटिव लेते हैं बिजनेस के लिए, इनिशिएटिव लेते हैं, ठीक है। जहां मंगल है वहां स्पॉन्टेनियस हो, इनिशिएटिव लेते हो, वहां पर आप एम्बिशियस हो, वहां पर आप आगे बढ़ना चाहते हो, वहां पे आप अपना मैक्सिमम एनर्जी लगाते हो, तो शुक्र क्योंकि फाइनेंसिस का कारक है, वो अपनी मैक्सिमम एनर्जी कहाँ लगा रहा है, अपना एंटरप्रेन्योरशिप, उसे पता है कि सबसे ज्यादा पैसा मैं अपने बिजनेस से कमा सकता हूँ, नौकरी करके नहीं, सेवा करके नहीं कमा सकता, ठीक है जी। तो ये आज मतलब हमारा है 9th एंड 10th हाउस, ठीक है, अभी रिकॉर्डिंग बंद कर देता हूं।